अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन। आप सबको पहला अशरा बहुत बहुत मुबारक मिल रही है आपको हर ऑर्डिनरी डेज पर मेरी रमज़ान रेसिपीज़, तो ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ईजी डिश। बिगनर्स जो कि मेरा चैनल देखते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप थोड़ी सी सिंपल रेसिपीज़ भी बताया करें जो कि आप नॉर्मली आप बनाते हैं घर में और बहुत आसान भी होती हैं, तो आज मैं लाई हूँ आलू के समोसे बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू लिए हैं चार बॉईल, इसको मैंने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है। बेसिक से बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि जो नॉर्मल मीडियम साइज़ के आलू होते हैं जो कि थोड़े से येलो लाल रंग के होते हैं, उनको आप 5 मिनट में बॉईल करें तो आपके पास कम्प्लीटली बॉईल हो जाते हैं। मैंने बड़े वाले आलू लिए हैं और चार लिए हैं और इनको 5 से 7 मिनट बॉईल किया है, नमक आधी चम्मच डाल के उसके बाद इसको ठंडे पानी में रख के छिलके उतार लिए और इनको मैशर से मैश कर लिया है। तो ये तो हो गए हमारे आलू बॉइल्स। जो हमें इसके फिलिंग के लिए चीज़ें चाहिए उसमें मैं डालूँगी मटर। मटर मैंने लिया है 1/2 कप, इसको ऑलरेडी मैं बॉईल करके तो फ्रीज करके रख लेती हूँ ताकि किसी भी चीज़ में, पुलाव में, कबाबों में, किसी भी रोल की फिलिंग में आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन फ्रीजर से निकालें और पानी में थोक करके आप इसको यूज़ करें। तो मैंने 1/2 कप बॉईल लिए हैं मटर। मैंने इसमें 1 बड़ा प्याज लिया है, उसको ब्लेंड कर लिया है हरी मिर्चों के साथ, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1/2 घटी पुदीना लिया है चॉप किया हुआ। तो ये हमारी फिलिंग के लिए हो गए आलू की। जिन मसालों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने लिए है नमक और मिर्च हसबे ज़रूरत। अगर आपको पूरी क्वांटिटी चाहिए तो 1/2 टीस्पून मैंने डाली है इसमें। 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर, कोरिएंडर लिया है और ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और साथ ही साथ साबुत गर्म मसालों में मैंने गर्म मसाले में जो लिया है वो है ज़ीरा 1 टीस्पून और कोरिएंडर, साबुत धनिया 1 टीस्पून। समोसे की ले लें किसी भी ब्रांड की पट्टियाँ और जो ले मैंने कल आपको बनानी सिखाई थी, मैदे में पानी मिक्स करके थिक सी कॉन्सिस्टेंसी बनाएं समोसों की पट्टी को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, तो अब आएँ इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आलू के समोसे बनाने का जो तरीका है वो है बहुत आसान। सबसे पहले आपने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई हैं आप उनको आलू में ऐड कर लीजिए, जो कि हमारी था धनिया, प्याज, हरी मिर्चें और मटर। अगर आप चाहें तो इसमें बॉईल करके गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस सब्ज़ी के समोसों में क्या क्या डालना है। तो आलू में मैंने सिर्फ मटर का इस्तेमाल किया है और प्याज का, और धनिया डाला है इसमें, चाहे तो पुदीना भी आ सकता है, स्मेल अच्छी आएगी उससे, और साबुत धनिए और साबुत ज़ीरा भी चला गया। साबुत मसालों के बाद हम चले आते हैं पाउडर में, तो फिर बताते चलूँ इसमें नमक, मिर्च, साबुत धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। हाथ अच्छे से धो लीजिए और इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी समोसे की पट्टी कैसे बनेगी, पट्टी के अंदर फिलिंग कैसे होगी। आए जी, अल्हम्दुलिल्लाह समोसे की रैपिंग हो चुकी है। तकरीबन 4 आलुओं से मैंने 50 समोसे बना लिए हैं। आप इसी तरह बनाएं और रमज़ान में अपने घरों और प्यारों के लिए, उनको खुश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ मेरे चैनल से ट्राई कीजिए। और इनको जिस तरह रैप करने का जो प्रोसीजर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मैंने आपको पिछले साल में भी आपको सिखाई थी रैपिंग करनी, तो वहाँ से आपको रैप करना पता लग जाएगा। अगर लेकिन फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना नहीं आ रहा किसी भी सूरत से, वैसे तो जहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके टॉप राइट पे देखें 3 डॉट्स बने होंगे, उन पर प्रेस करें, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगर नहीं आपको करने आती, आपको नहीं पता चलता डिस्क्रिप्शन पे कैसे जाते हैं, तो आप डॉन की मैंने समोसा पट्टी ली है उसके साइड पर सारा तरीका लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप लिखा भी नहीं हुआ बल्कि बताया हुआ उन्होंने पिक्चर्स में कि जो बिगनर्स हैं वो समोसा पट्टी से समोसा कैसे बनाएं। तो उसे बनाएं और रफ्तारी के वक्त इसको जितना आपको चाहिए फ्रीज करने इसको रख दें और उसमें से निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और इसको फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर और मज़े से इसको गर्मा गर्म केचप के साथ आप सर्व करें। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।